Welcome in online class. I hope all of you are well and good at your home. So today we will study about process of heat transfer की. Okay, जो हमारी previous class थी उसमें हमने study करा था transfer of heat के बारे में as well as हमने conductors और insulators के बारे में भी study करा था. Now हम स्टडी करेंगे प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में. जैसे कि आपको बोर्ड पे एक फिगर दिख रहा है जहां हमने एक बर्नर लिया है और उसके ऊपर पे एक स्टैंड लिया है और उसके ऊपर पे कुकिंग यूटेंसिल या कोई भी आप बर्नर ले सकते हैं. देन उसमें हमने पानी ले लिया. ओके, तो इस प्रोसेस में आपका जो आपकी हीट होगी, फायर होगी, वो कैसे ट्रांसफर होगी, वो बर्तन तक कैसे पहुंचेगी, देन पानी तक कैसे पहुंचेगी, तो ये हम स्टडी करेंगे प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर में. ओके, सो आपने देखा होगा आपकी मम्मा क्या करती है, खाना बनाती है. तो खाना बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करती है, गैस ऑन करती है, देन स्टोव पे कुछ बर्तन या कुकिंग यूटेंसिल्स को रखती है. और आपने ये भी ऑब्जर्व करा होगा कि कुछ टाइम बाद आफ्टर 1 or 2 मिनट्स के बाद आपका क्या हो जाता है, कुकिंग यूटेंसिल गर्म हो जाता है. सो द प्रोसेस ऑफ दिस कुकिंग, जो कुकिंग यूटेंसिल का जो गर्म होने की प्रोसेस है या हॉट या वार्म होने की जो प्रोसेस है वो आपकी क्या कहलाती है, कंडक्शन. सो फर्स्ट वन प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज कंडक्शन. तो कंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम hotter end to colder end. कंडक्शन जो प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा, आपकी जो हीट है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड. इसी प्रोसेस के चलते आपका कुकिंग यूटेंसिल जो फायर पे रखा है वो आफ्टर 1 or 2-3 मिनट्स के बाद क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. ओके, आपने ये चीज ऑब्जर्व करी है. जब आप घर पे अपनी मम्मी खाना बनाती है तो उस टाइम पे वो क्या करती है, कुछ टाइम तक वो सब्जी बनाते टाइम क्या करती है, कढ़ाई को उस फायर में रखती है और कुछ टाइम बाद कढ़ाई आपकी गर्म हो जाती है. तो वो प्रोसेस ये जो है जिसमें आपकी फायर की जो हीट है वो हॉटर एंड से उस कुकिंग यूटेंसिल के कोल्डर एंड तक जो हीट का जो आपका ट्रांसफर है वो क्या कहलाएगा, आपका कंडक्शन. ओके, और ये क्या होगा, ऑलवेज इट इज ऑलवेज प्रोसीड इन सॉलिड सब्सटेंसेस. और ये हमेशा कहां देखने को मिलेगा, आपको सॉलिड सब्सटेंसेस में देखने को मिलेगा. जैसे कि आपका कुकिंग यूटेंसिल क्या है, आपका सॉलिड है, तो उसमें जो हीट ट्रांसफर होगी वो क्या होगी, आपकी कंडक्शन के थ्रू होगी. नाउ अगर अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि हमने क्या ले लिया है, कुछ पानी ले लिया है. और आपको पता है जब हम पानी बॉईल करने के लिए रखते हैं तो क्या होता है, आपका एकदम पानी रखते हैं तो सीधे गर्म नहीं होता है, कुछ टाइम बाद गर्म होता है. तो जो पानी के वॉर्म होने की प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, आपकी कन्वेक्शन. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ The process of heat transfer in water or air is called convection. So, जो आपकी heat transfer की process होगी, चाहे वो water में हो, चाहे वो एयर में हो, वो क्या कहलाएगी, आपकी कन्वेक्शन. जो वाटर का तो आपने देखा जब हम बॉइल करते हैं पानी को, और एयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एयर में आप कैसे देख सकते हैं, जब आप क्या लेते हैं, कैंडल. अगर आप एक कैंडल ले लो और उसको क्या करो, ब्लो करो, उसको जलाने के बाद आप क्या देखते हैं, आपने ये चीज बचपन में करी हुई होगी और हो सकता है अगर आप करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं. अगर आप एक कैंडल ले उसे जलाएं, देन उसके बाद कुछ डिस्टेंस पे उसके ऊपर आप क्या रखेंगे, उसके टॉप पे एक हैंड रखेंगे अपना, और इसी तरीके से आपका जो सेकेंड हैंड है आपका वो उसकी साइड पे रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि आपका हाथ इतना ऊपर हो कि आपका हाथ बर्न ना हो, जले ना.
ओके तो आप इसे क्या फील करेंगे, जो आपका टॉप होता है उस कैंडल का जो टॉप होगा, जलेगी कैंडल की उस पर जो टॉप पे जो हैंड होगा उसमें आपको ज्यादा गर्मी लगती है इन कंपैरिजन ऑफ दिस साइड हैंड। ओके तो ये प्रोसेस जो होगी आपका हीट ट्रांसफर हो रही है जिसमें आपका वो एयर में हो रही है अभी हीट ट्रांसफर, तो ये प्रोसेस आपका जिसकी वजह से आपको उस कैंडल की जो गर्मी है हीट आपको फील हो रही है उसके टॉप पे, तो ये प्रोसेस आपकी क्या होती है कन्वेक्शन। वही आपका यहाँ पे आपकी हीट की ट्रांसफर नहीं हो पा रही है साइड पे, इसीलिए आपको हीट वहां पे कम फील हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोसेस कन्वेक्शन की नहीं हो रही है। कहाँ पे हो रही है प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन आपकी, टॉप ऑफ दिस कैंडल। ओके सो ऐसी प्रोसेस जो आपका हीट ट्रांसफर जहां किसमें हुए वाटर में या एयर में होता है वो क्या कहलाता है आपका कन्वेक्शन। सो आप इसे याद रखेंगे, आपका पानी का बॉइल होना या आपका कैंडल से आपके हाथ को गर्मी लगना, ये कैसी प्रोसेस होगी हीट ट्रांसफर की, कन्वेक्शन प्रोसेस होती है। नाउ मूविंग ऑन द थर्ड प्रोसेस एंड अनदर प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड रेडिएशन। सो जो रेडिएशन की प्रोसेस है, ओके तो रेडिएशन की प्रोसेस में आप देखते हैं जनरली आपको जो धूप होती है, धूप से भी क्या लगती है सनलाइट से भी आपको क्या फील होती है हीट फील होती है, और जो रेडिएशन प्रोसेस है उसके लिए आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे आपका जो कंडक्शन प्रोसेस था उसमें आपका मीडियम क्या था सॉलिड मटेरियल या सॉलिड सब्सटेंस थे, आपका कन्वेक्शन प्रोसेस में वाटर और एयर एज अ मीडियम आपका काम आ रहा था, बट रेडिएशन में आपका क्या होता है आपको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और रेडिएशन की प्रोसेस आपको कहाँ देखने को मिलती है, जब आप अपना रूम हीटर, आपका क्या होता है घर में रूम हीटर होता है ना जनरली हम उसको विंटर्स में यूज करते हैं, तो रूम हीटर से जो हीट आपको मिलती है आप तक जो गर्मी पहुंचती है वो आपका किसके थ्रू होता है रेडिएशन के थ्रू होता है। सो देयर आर थ्री प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, फर्स्ट वन इज कंडक्शन, सेकंड वन इज कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। द सनलाइट या वी गेट सनलाइट फ्रॉम सन, वी गेट sunlight from sun through convection, okay, sorry, through radiation। और ऐसे आपका सेकेंड वन एग्जाम्पल जो मैंने हीटर के बारे में बात करा कि रूम हीटर चला होता है उसमें भी जो आपको हीट मिलती है उस हीटर से वो भी किसका एग्जाम्पल है आपका रेडिएशन का। ओके सो टुडे वी स्टडीड अबाउट कंडक्शन प्रोसेस, कन्वेक्शन एज वेल एज रेडिएशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।